देख सकते हो कि इधर दोनों स्कूटर खड़ा हुआ है, जो है एक्टिवा 6G और एक्टिवा स्मार्ट की वाला फीचर्स। तो दोनों के अंदर हम लोग आज कंपैरिजन करने वाले हैं। तो कंपैरिजन में हम लोग दिखाएंगे कि इसमें कौन सा फीचर्स चेंजेस हुआ है, और ये वाला में जो है एक्टिवा 6G जो है इसमें कौन सा फीचर्स है, और एक्टिवा जो है 8 स्मार्ट कीलेस वाला जो स्कूटर है उसमें क्या क्या चेंजेस है। तो फिलहाल चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्कूटर आप देख रहे हो ये है एक्टिवा 6G। सो इसका मॉडल आप देख सकते हो, मॉडल और डिजाइन थोड़ा सा लगभग सेम ही सेम मिलने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो मॉडल है वो थोड़ा सा आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका जो कलर फिनिशिंग है इसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ग्लेसी किया गया है। एक्टिवा लिखा गया है, इसका नीचे आप देख सकते हो 8 स्मार्ट का एक स्टिकरिंग किया गया है। ये एक 3D स्टिकर है जो आपको देखने को मिल जाएगा। एक्टिवा 6G में इधर आपको एक्टिवा 6G का एक स्टिकरिंग मिल जाता है। तो ये दोनों में ये वाला एक चेंजेस आपको मिलने वाला है। तो बैक साइड के बात किया जाए कि बैक में दोनों के जो टेल लाइट है ये दोनों लाइट सेम टू सेम मिलने वाला है। और कि लेफ्ट में देख सकते हो क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो किक स्टार्ट ये नहीं है, और एक्टिवा 6G में आपको किक स्टार्ट दिया जाता है। तो दोनों में ये एक बहुत बड़ा सा एक चेंजेस आपको मिलने वाला है। इसमें किक स्टार्ट नहीं है, और इस बार इस स्कूटर में आपको किक स्टार्ट मिल जाएगा। और थोड़ा सा फ्रंट के बारे में बात करते हैं, तो फ्रंट में आप देख सकते हो कि इसमें भी आपको LED का सेटअप मिल जाता है, मतलब LED हेडलाइट मिल जाता है, और जो टर्न इंडिकेटर है ये बल्ब में ही मिलने वाला है। और इस वाले जो 8 स्मार्ट में आपको LED हेडलाइट और जो टर्न इंडिकेटर है ये भी आपको बल्ब में ही मिलने वाला है। ये दोनों ही सेम है। और बात करते हैं इसका जो व्हील में, आप देख सकते हो कि इस स्कूटर में आपको एलो व्हील के साथ एक व्हील देखने को मिल रहा है। और ये वाला जो स्कूटर है एक्टिवा 6G इसमें एलो व्हील नहीं है, SI व्हील दिया गया है। एक्टिवा 6G में आपको की का फंक्शन देखने को मिल जाएगा, मतलब इसमें आपको की फंक्शन देखने को मिल जाएगा। इधर आप देख सकते हो की लगा के इंजन स्टार्ट करना पड़ता है, और एक्टिवा जो है 8 स्मार्ट में आपको की का फंक्शन नहीं देखने को मिलता है। फिलहाल देख सकते हो इसका जो सिस्टम है ये रेगुलेटर की तरह ये घुमाने से स्टार्ट होता है। और बाद बाकी बात करते हैं इस मीटर कंसोल सेम टू सेम है लगभग। देख सकते हो इधर जो है एनालॉग मीटर कंसोल दिया गया है, और इस स्कूटर में भी आपको एनालॉग मीटर कंसोल दिया गया है, मतलब दोनों में ही मीटर कंसोल सेम है। और तो मेन पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक्टिवा 6G जो है चाबी से अनलॉक होता है, और इसका भी हैंडल लॉक चाबी से ही होता है। एक्टिवा 8 स्मार्ट में आपको रिमोट से ही इसमें ऑन ऑफ करना पड़ता है, और एक्टिवा 6G में आपको की का फंक्शन देखने को मिल जाएगा। सो दोनों स्कूटर जो है 110 cc का है। एक्टिवा 6G जो है इसका ऑन रोड प्राइस है 92,100 रुपीज़, इसका ऑन रोड प्राइस आपको मिलने वाला है। और एक्टिवा जो है 8 स्मार्ट इसका 97,200 रुपीज़, इसका आपको ऑन रोड प्राइस मिलने वाला है। सो दोनों स्कूटर में आपको ज़्यादातर फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको देखने को मिलेगा सिर्फ इसमें आपको एक स्मार्ट की फीचर्स मिलने वाला है, और इसमें आपको जो की वाला फीचर्स था ऐसा ही दिया गया है। और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें किक स्टार्ट नहीं है, और इधर जो है आप देख सकते हो इसमें किक स्टार्ट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसका किक स्टार्ट है, और इस वाले में आपको किक स्टार्ट नहीं मिलेगा। इधर देख सकते हो थोड़ा सा डिजाइन कर दिया गया है, और इसमें किक स्टार्ट नहीं मिलता है। ये था इसका कंपैरिजन। तो आपको दोनों स्कूटी कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ, और कौन सा आप लेना चाह रहे हो अभी तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ। आपको प्राइस मालूम चल गया, कौन सा कंपैरिजन इसका मालूम चल गया। तो फिलहाल चलिए गाइस और एक वीडियो पे मिलते हैं और एक नया बाइक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।